आप सभी का फिर से नए वीडियो में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा स्नातक सेमेस्टर टू सेशन 2023-27 की सेमेस्टर टू परीक्षा को लेकर एक नोटिस रिलीज की गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से परीक्षा स्टार्ट होने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग स्नातक सेमेस्टर टू सेशन 23-27 की परीक्षा से संबंधित, जो कि पार्ट सेमेस्टर टू की परीक्षा होने वाली, संबंधित संपूर्ण जानकारी जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस देख पा रहे होंगे, ये पेपर कटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको बड़े बड़े मोटे अक्षर में भी दिखाई दे रहे होंगे कि स्नातक सेमेस्टर टू की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। कुलपति की अध्यक्षता में कल जो है आवासीय कार्यालय में आधिकारिक बैठक हुई थी। टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में गुरुवार को विषय आवासीय कार्यालय में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें परीक्षा बजट समीक्षा व बिजली मामले को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार स्नातक सत्र 23-27 सेमेस्टर टू की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी, जबकि परीक्षा फॉर्म प्रथम सप्ताह से ही भराएगा। इसके अलावा परीक्षा को लेकर कॉपी व प्रश्न पत्र की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। 10 जून से बीएड की परीक्षा, 20 जून से स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई। कुलपति ने कहा कि सभी लंबित परीक्षा समय पर ली जाएगी, इसको लेकर परीक्षा विभाग को निर्देश दिया गया। बैठक में सत्र 25-26 के बजट को लेकर भी समीक्षा की गई। इसके अलावा बिजली कंपनियों द्वारा वीवी को भेजे गए पन्नों के अनुसार बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर 15 दिन का कनेक्शन काट देने को लेकर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि 5 जून बीत जाने के बाद भी वीवी के रजिस्ट्रार ने बिजली कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया और न ही वीवी प्रशासन को कुछ लिखकर भी दिया गया। वीवी सूत्रों के अनुसार रजिस्ट्रार ने वीसी को बताया था कि मामले में लीगल एडवाइज लिया गया है, इसको लेकर वीवी से बिजली कंपनी की नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद आगे की प्रक्रियाएं की जाएगी। तो फाइनली जो 23-27 सेशन के सेमेस्टर टू के एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, उनका पता चल गया कि जुलाई के सेकेंड वीक से एग्जाम ली जाने की संभावना है। और इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट आ गया था, उनमें जिनकी रिजल्ट पेंडिंग थी उनके सुधार की प्रक्रिया मैंने बता दिया था, जो प्रमोटेड थे उनकी भी प्रक्रिया मैंने बता दिया था। बाकी मार्कशीट की बात रही तो मार्कशीट भी आप लोगों के कॉलेज में दी जा रही है, शायद आप जाके एक बार पता कर लें। 20 मई के बाद ही मार्कशीट देने के बाद की गई थी कुलपति के द्वारा, तो शायद मार्कशीट प्रोवाइड की जा रही है। कॉलेज में जाकर पता कर लें कि मार्कशीट और प्रोविजनल प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर नहीं।